गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 वर्कशीट 7। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स में कुछ पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन हैं, उनके लिए हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट 10 एंड 15। फर्स्टली हम 10 और 15 का HCF और LCM दोनों फाइंड करेंगे। HCF के लिए हम कॉन्टीन्यू डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इसमें हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 वंजा 10, माइनस करेंगे रिमाइंडर 5। अब रिमाइंडर जो है नया डिवाइजर बनेगा और पहले वाला डिवाइजर वो नया डिविडेंट बन जाएगा। 10 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 5 टू जा 10, रिमाइंडर इज 0। किसने रिमाइंडर 0 दिया? 5 ने। सो HCF ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 5। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के यूज करके LCM फाइंड करेंगे 10 और 15 का। 2 से अगर डिवाइड करते हैं 10 को, 5, 15 एज इट इज। 3 से डिवाइड करेंगे, 5 एज इट इज 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1। LCM होगा हमारा इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दैट इज इक्वल टू 30। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास बन जाएंगी, गिवन नंबर थे 10 एंड 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 150। एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, HCF 5, LCM 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150। बोथ आर सेम, सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट बी 35 एंड 40। फर्स्टली वी फाइंड HCF एंड LCM। HCF के लिए कॉन्टीन्यू डिवीजन मेथड यूज करेंगे, 40 को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 वंजा 35, 5 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर नया डिवाइजर बनेगा, पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बनेगा। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहां पर 0 5 ने बनाया, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 5। नाउ वी फाइंड LCM ऑफ 35 एंड 40 बाय डिवीजन मेथड। 2 से डिवाइड करेंगे, 35 एज इट इज 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35 एज इट इज 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35 एज इट इज 5। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 7 एंड 1, एंड फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे, 1 एंड 1। LCM हमारा इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 280। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास बनेगी, 35 और 40 दो नंबर दिए गए थे, दोनों की प्रोडक्ट बनेगी 1400। एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, HCF 5 था, LCM हमारा 280, 280 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1400। बोथ आर सेम, सो वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, हेंस वेरीफाइड। सी पार्ट 32 एंड 48। सेम यहां पर भी करेंगे, फर्स्टली HCF के लिए कॉन्टीन्यू डिवीजन मेथड यूज करेंगे, उसके लिए हम 48 को 32 से डिवाइड करेंगे, 32 वंजा 32, माइनस करेंगे 16, अब नया डिविडेंट 32 बनेगा, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 टू जा 32, HCF हमारा बनेगा 16, क्योंकि 16 ने यहां पर रिमाइंडर 0 दिया। अब हम 32 और 48 का LCM भी फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 2 से डिवाइड करेंगे, 16 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एंड 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 3 एज इट इज, एंड 3 से डिवाइड करेंगे, 1 एंड 1।
एलसीएम हमारा बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम बन जाएगा 96। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमारे पास थे 32 एंड 48, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास आएगी 1536। एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ हमारा आया है 16 और एलसीएम हमारे पास है 96, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लिए दोनों की प्रोडक्ट बनेगी 1536, बोथ आर सेम। सो वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, हेंस वेरीफाइड। नाउ पार्ट ए, पार्ट ए में हमें टू नंबर्स दिए गए हैं 27 एंड 90। फर्स्टली हम 27 और 90 में एचसीएफ को फाइंड करेंगे बाई कॉन्टीन्यूड डिवीजन मेथड। इसके लिए 90 को 27 से हम डिवाइड करेंगे, 27 थ्री जा 81 माइनस करेंगे 9। अब पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बनेगा, उसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 थ्री जा 27, रिमाइंडर इज 0। सो एचसीएफ हमारा 9 बनेगा क्योंकि 9 ने रिमाइंडर 0 दिया। एचसीएफ हमारे पास आ गया है 9। अब हम एलसीएम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के नीचे हम दोनों नंबर को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में राइट करेंगे, दैट इज 27 मल्टीप्लाई 90। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू एचसीएफ हमने निकाला है 9, वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई एज इट इज एलसीएम क्योंकि निकालना है एज इट इज राइट करेंगे। अब हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड में 9 मल्टीप्लाई है, 9 राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू एलसीएम। अब 27 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 9 सोल्व करेंगे, 9 वन जा 9, 9 टेन जा 90, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 इज इक्वल टू एलसीएम। अब हमारे पास एचसीएफ 9 निकाला था हमने और एलसीएम हमारे पास निकल गया है 270। देयरफोर आंसर को हम रिपीट करेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 9 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 270, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट बी, 145 एंड 232। पहले हम दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे बाई कॉन्टीन्यूड डिवीजन मेथड। 232 को 145 से अगर डिवाइड करते हैं, 145 वन जा 145 माइनस करेंगे 87। अब 145 को नया डिविडेंट लेंगे, 87 से डिवाइड करेंगे, 87 वन जा 87 माइनस करेंगे 58। अब 87 को हम नया डिविडेंट लेंगे, 58 से उसे डिवाइड करेंगे, 58 वन जा 58 माइनस करेंगे 29। अब 58 को नया डिविडेंड बनाएंगे और उसे 29 से डिवाइड करेंगे, 29 टू जा 58, रिमाइंडर इज 0। अब 29 ने हमें रिमाइंडर 0 दिया, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 29। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के नीचे हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, 145 मल्टीप्लाई 232 इज इक्वल टू, एचसीएफ हमने निकाला है 29, एलसीएम की वैल्यू हमने निकालनी है सो एलसीएम एज इट इज राइट करेंगे। अब 29 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोजिशन देंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, सो वी राइट 145 मल्टीप्लाई 232 अपॉन 29 इज इक्वल टू एलसीएम, क्योंकि 29 उधर मल्टीप्लाई में था और लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवीजन में चला जाएगा। 29 वन जा 29, 29 फाइव जा 145, कैंसिल करेंगे, ऊपर हमारे पास टर्म्स बची हैं 5 मल्टीप्लाई 232। अगर 232 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी 1160, दैट इज इक्वल टू एलसीएम। देयरफोर HCF is equal to 29 and LCM is equal to 1160, answer C part।
नंबर्स हमें गिवन है 117 एंड 221. फर्स्टली एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड. 221 को अगर 117 से डिवाइड करते हैं, 117 वन जा 117 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 104. अब नया डिविडेंड 117 को बनाएंगे, अगर 104 से उसे डिवाइड करते हैं, 104 वन जा 104 माइनस करेंगे 13. अब नया डिविडेंड बनाएंगे 104 को, 13 से अगर उसे डिवाइड करते हैं, 13 एट जा 104, रिमाइंडर इज 0. 13 ने हमें रिमाइंडर 0 दिया, सो HCF इज इक्वल टू 13. नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, अब हम LCM को फाइंड करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के नीचे जो नंबर हमें दिए गए थे उनको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में राइट करेंगे, इज इक्वल टू HCF की वैल्यू 13 निकाली है, पुट करेंगे LCM एज इट इज. अब 13 को ट्रांसपोजिशन देंगे, वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में चला जाएगा. सो वी राइट 117 मल्टीप्लाई 221 अपॉन 13 इज इक्वल टू LCM. 13 से कैंसिल करेंगे, 13 वन जा 13, 9 जा 117 होते हैं. अब हमारे पास टर्म बची 9 एंड 221. 221 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM हमारा बन जाएगा 1989. Therefore HCF हमारा निकाला हमने 13 एंड LCM इज इक्वल टू 1989 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज HCF एंड 380 एज LCM, गिव रीजन. हमें बताना है दो नंबर का 16 HCF और 380 क्या LCM हो सकता है, अगर नहीं तो उसका रीजन भी हमें देना है. जैसा कि हमें पता है HCF हमेशा LCM को डिवाइड करता है, राइट. इट मींस HCF फैक्टर बनता है LCM का. अगर हम LCM को HCF से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए. अगर मिलता है तो वो HCF और LCM उन नंबर्स के बनेंगे, अदरवाइज नोट. सो हम 380 LCM को 16 HCF से डिवाइड करेंगे, 16 टू जा 32 माइनस करेंगे 6, 0 को नीचे प्लेस करेंगे 60 बनेगा, 16 थ्री जा 48 माइनस करेंगे 12, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, यहाँ पर 12 रिमाइंडर बना. सो हम कह सकते हैं 16 हमारा 380 का फैक्टर नहीं बनता और 380 इज नॉट डिविजिबल बाई 16. सो हमारा आंसर बनेगा नो, क्योंकि ये दोनों हमारे HCF और LCM नहीं बनेंगे. अब रीजन देना है क्यों नहीं बनेंगे, उसका रीजन बनेगा बिकॉज HCF जो हमें 16 गिवन था इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM, दैट इज 380 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 3072, फाइंड देयर LCM. हमें HCF गिवन है टू नंबर्स का 16 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स गिवन है 3072. हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और LCM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन है 3072, वैल्यू पुट करेंगे. HCF गिवन है 16, वैल्यू यहां भी पुट करेंगे, मल्टीप्लाई LCM एज इट इज. अब हम LCM की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सेकेंड टर्म 16 है राइट हैंड साइड में, उसे हम ट्रांसपोजिशन देंगे. लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में चली जाएगी. 3072 अपॉन 16 इज इक्वल टू LCM. अब 3072 को 16 से डिवाइड करें, 16 से अगर डिवाइड करते हैं, 16 वन जा 16 माइनस करेंगे 14, नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे 147 बनेगा, 16 नाइन जा 144 माइनस करेंगे 3 एंड लास्ट डिजिट 2 को नीचे उतारेंगे 32 बनेगा, 16 टू जा 32 0. इट मीन्स क्वोशेंट हमारे पास आया है 192, तो 16 से हम
3072 को कैंसिल करेंगे 192 पे, दिस इंप्लाइज एलसीएम इज इक्वल टू 192। आंसर को रिपीट करेंगे, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 192 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड द अदर। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एलसीएम इज इक्वल टू 180, एचसीएफ इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हमारे पास वन नंबर गिवन है, उसे हम मानेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 30 एंड सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज की थी, वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होती हैं, उसके लिए हम फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर भी राइट कर सकते हैं एंड राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 30, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। सेकंड नंबर क्योंकि हमें निकालना है उसको एज इट इज राइट करें, इज इक्वल टू एचसीएफ हमें गिवन है 6, वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम की वैल्यू गिवन है 180। अब हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, सेकंड नंबर 30 को हमने ट्रांसपोजिशन देना है, 30 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में चला जाएगा। सो वी राइट सेकंड नंबर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 30। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, फिर 3 से 18 को कैंसिल करेंगे, 3 वन जा 3 एंड 3 सिक्स जा 18। सो सेकंड नंबर हमारे पास बनेगा 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 160 एंड 352 इज 1760, फाइंड देयर एचसीएफ। हमें दो नंबर गिवन है 160 एंड 352 और उनका एलसीएम जो बनेगा वो गिवन है 1760। हमें उन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सो वी राइट टू नंबर्स इज इक्वल टू 160 एंड 352। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज गिवन बाय 1760। जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के नीचे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दोनों नंबर को राइट करेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए गिवन है 160 एंड 352। 160 मल्टीप्लाई 352 इज इक्वल टू एचसीएफ एज इट इज, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे 1760। राइट हैंड साइड में हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको वहीं रखेंगे और एलसीएम की वैल्यू 1760 को हम ट्रांसपोजिशन देंगे। राइट हैंड साइड में अगर ये मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवीजन में चली जाएगी। सो वी राइट 160 मल्टीप्लाई 352 अपॉन 1760 इज इक्वल टू एचसीएफ। कैंसिल करेंगे, जीरो से फर्स्टली जीरो को कैंसिल करें, 176 वन जा 176 एंड 176 टू जा 352। हमारे पास बचे हैं 16 एंड 2। 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड एचसीएफ एज इट इज, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 32 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए पार्ट, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ देयर एचसीएफ, दैट इज फॉल्स, क्योंकि एचसीएफ फैक्टर बनता है, एलसीएम फैक्टर नहीं बनता। बी पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स की बात कर रहे हैं यहां पर, लेकिन अगर यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता तो वो हमारे लिए ट्रू बनता, लेकिन थ्री नंबर्स के लिए जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल हों। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2, 3 और 10, अगर हम इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं
HCF अगर हम इन नंबर्स का फाइंड करते हैं तो हमारे पास HCF बनेगा 1, और LCM अगर हम इनका फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा 30, राइट। और इन तीनों नंबर की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी 60, लेकिन HCF और LCM की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो आएगी हमारे पास 30। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी पार्ट, HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM, दैट इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है HCF हमेशा LCM को डिवाइड करता है, और हम ये भी कह सकते हैं HCF एक फैक्टर बनता है LCM का। डी पार्ट, LCM ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी स्मॉलर देन द नंबर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर का LCM फाइंड करते हैं तो LCM कभी भी जो हम निकालेंगे वो किसी भी नंबर से छोटा नहीं होगा। पार्ट ई, LCM ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, दैट इज ट्रू, सबसे पहले कोप्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। कोई भी नंबर्स कोप्राइम तब बोले जाएंगे अगर उनमें कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर कोई और ना बने। अगर हम दो कोप्राइम नंबर ले लें, दैट इज 5 और 7, अगर हम इनका LCM निकालेंगे, 5 और 7 का जो LCM होगा वो आएगा हमारे पास 35, उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, यही यहाँ पर बोला गया है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।